क्वेश्चन के लिए जो कब्रिस्तान का प्रकरण है, क्या प्रकरण है, पूरी विस्तार से जानकारी दीजिए दर्शकों। हमने ग्राम सेवक साहब को भाई ये बताया गया हमारे कब्रिस्तान के जो दीवार के बाजू अतिक्रमण हुआ, हमने बोले उनको निकालो। उन्होंने पहला निकाले थे, बिगर नोटिस देकर निकाले थे, और हम बोल रहे भाई उनको क्या भाई ये अतिक्रमण निकालो। हमने पहले भी उनको लेटर दिए, वो हमारी टाला टाल कर रहे, हरासमेंट कर रहे, 1 महीने से घुमा रहे। हमने उनको विनंती करे, लेटर दिए, पहले इसको दिए ये पंचायत समिति को, वहाँ से लेटर आया। उन्होंने बताया इन्होंने नहीं निकाल रहे हो, तो उसके वजह से फिर हमारे को ऑपोजिशन को बैठना जरूरी होगा। फिर बाद में हमने लेटर दिए, वो सामने वाले ने जो उनके पास जो झूठे पेपर थे इनको सादर करा। हमने बोले भाई आओ हमारे भी पेपर जो है देखो, हमारे पास कोई झूठे पेपर है नहीं। हमारा मुद्दा है 340 में जो कब्रिस्तान की दीवार के बाजू में जो अतिक्रमण हुआ, ग्राम सेवक साहब वो निकाल लो, वो शासन की जगह है, बस हमारा इतना मुद्दा है। तो वो हमको कुछ ये दे रहे नहीं उनका, क्या भाई हम आपने निकाल दे। निवेदन कहाँ पर कहाँ कहाँ दिए? तो अभी जो है तो अभी तहसील को दिए, पंचायत समिति को दिए, रिटर्न ऑपरेशन को बैठते टाइम सीईओ को दिए, जिला परिषद और कलेक्टर साहब को दिए। क्या आश्वासन मिला आपको वहां से? वहाँ से आश्वासन नहीं मिला, हमने ये दिए उनको। तो उसके बाद में वो अब देखते हैं क्या है। तो ये वो बोले कि रुक जाओ, 28 तारीख को हमारी मीटिंग होंगी, अमुक होंगे, ऐसा उनका ग्राम सेवक साहब को कुछ बोलना है। आज जो आप अमरण उपोषण के लिए बैठे हैं, तो कब से बैठे हैं और ये कब तक चलते रहेंगे? ये जब तक वो अतिक्रमण हटेंगे नहीं, जब तक ऐसी बैठे रहेंगी। आपके साथ में यहाँ ग्राम पंचायत के उपसभापति भी है, सभापति है, उप सरपंच साहब भी है, तो हाँ उनका क्या बोलना है? उनका भी बोलना है हटाओ। उन्होंने भी उनको विनंती करे, उनका भी नहीं सुन रहे, अब उनको समझ में नहीं आ रहा। आपका पूरा नाम बोल दीजिए यहाँ का। मेरा नाम अमजद फकीरा पठान, खबरस्तान का एड्रेस बताओ यहाँ कहाँ पर? ये वालोज गाँव, वो नंबर क्या है उसका? घट नंबर 341 है, और अपनी डिमांड है 341 में जो दीवार है, दीवाल को लग के हो भाई, जो भी 340, वो दीवाल 340 को लग के, तो वो बाहर अतिक्रमण है। पहले लोगों का ग्राम सेवक साहब ने उठाए, बिगर नोटिस देगा, और अभी जो है तो फिर उन्होंने कैसा करे सामने वाले से, तो वो उनको पूछना पड़ेगा जो आगे कब्रिस्तान से। कितने एकड़ में बने हुए हो? कब्रिस्तान हमारा है 12.5 एकड़, तो और स्पेशल 7/12 है उसका, अभी हमारे कितने पास। पूरी 12.5? हाँ, वो ठीक। हमारे अंडर में लिया हमने। आपका नाम बोलो। मेरा नाम अमजद फकीरा पठान। अमजद फकीरा पठान साहब बैठे हुए हैं, और यहाँ गांव में जो मैयत वगैरह होती है तो परेशानी होती है कब्रिस्तान में, आप भी यहाँ के रहवासी हैं, क्या कहेंगे साहब? बिल्कुल परेशानी तो होती है, जैसे मैयत के लिए ट्रैफिक जाम होता है, इसलिए वो अतिक्रमण हटना चाहिए। इससे पहले भी अतिक्रमण था तो वो हटाया था ग्राम सेवक साहब ने, और अभी हमारी ये डिमांड है कि ये भी हटाना चाहिए। तो आपके गांव वालों ने मिलकर बताया सर ने, कलेक्टर साहब को निवेदन दिए, पर आश्वासन नहीं मिला, तो आपने और एक बार निवेदन दिए क्या यहाँ पर? नहीं, हमने इससे पहले 2 मरतबा दिए ना, 2 मरतबा देने के बाद क्या हुआ, दूसरी बार अपने अभी जो तो तहसीलदार को दिए, पंचायत समिति को दिए, कलेक्टर ऑफिस को दिए, जिला परिषद सीईओ को दिए, उनको लेटर जाने के बाद अब ये क्या कार्रवाई हुई थी साहब को, तो हमने इससे पहले 2-3 मरतबा लेटर दिए, वो बोले काड़ू करो चल रहा उनका, जो टाला टाल क्यों हो रही है, अब ये उनको ही देना पड़ेगा जवाब। अभी ये जो आपकी मांगनी अगर पूरी नहीं होती है, तो अमजद फकीर पठान साहब कब तक अमरण उपोषण बैठ रहे? उन्होंने तो अभी आपको बता दिए कि अगर वो जब तक वो जो तो अतिक्रमण हटता ही नहीं, जब तक वो कुछ उठेंगे नहीं, उन्होंने आपको अभी बताया है, और वही चीज़ है। आपका पूरा नाम बोलिए। सैयद रफीक यूसुफ। इथं मुस्लिम कब्रिस्तानसाठी आपण जे उपोषणासाठी बसलेले आहे, त्यांना पाठिंबा द्यायला सर काय म्हणाल आमच्या दर्शकांना? सर माझा तर पाठिंबा आहे त्याला, मी पहिल्यापासूनच म्हणलेलं आहे ते काढून घ्या म्हणून। सर हे प्रकरण काय आहे ते तुम्ही हे प्रकरण अतिक्रमणचा विषय आहे, त्या जे झालेलं जे अतिक्रमण आहे त्यांचं ते काढण्याविषयी पत्र पण आहे आमच्याकडं पण आहे, पंचायत समितीला पण आहे, ते काढण्याची त्यांची मागणी आहे, त्या मागणीला आमचा पण सपोर्ट आहे। सर सरपंचाचं काय म्हणणं? आज माझं सरपंचांचं माझं काही बोलणं झालेलं नाही। अच्छा, हां त्या विषयावर आता बोललं मी त्यांना। ग्रामसेवक साहेब यांचं काय? ग्रामसेवकाचं म्हणणं आहे, आता पोलीस स्टेशनला रोडवर आलेले त्यांची ना आमची पोलीसवाले चर्चा होऊन आम्ही ते त्याचं तुम्हाला फायनली सांगतो म्हणून। हां आपलं पूर्ण नाव? आपलं पूर्ण नाव योगेश दत्त वारगडे।